गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पार्ट दो आदमी की पहचान का जो अभ्यास कार्य है वो करने जा रहे हैं। जो इसके क्वेश्चन आंसर वो आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे और जो आपके शब्दार्थ वो आपको कॉपी में कर लेना है। तो जो अभ्यास कार्य है उसमें पहला है, तो जो पार्ट में जो आप पार्ट पढ़ेंगे तो उसके चित्रकथा में पहले क्या हुआ है ना, तो हमको सही क्रम में लिख कर बताना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए पहले क्या है, धनी आदमी नसरुद्दीन के घर आया। नसरुद्दीन साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में पहुँचे। कार्यक्रम में नसरुद्दीन को किसी ने नहीं पहचाना। अब नसरुद्दीन को चिट्ठी भेजकर कार्यक्रम में बुलाया गया। नसरुद्दीन ने रेशम का कुर्ता सिलवाया। अब कार्यक्रम में नसरुद्दीन का अच्छे से स्वागत किया गया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ इसमें कि नसरुद्दीन को चिट्ठी भेजकर कार्यक्रम में बुलाया गया, तो ये बन नंबर हो गया है ना आपका, ठीक है। अब इसके बाद है, देखिए सेकंड नंबर में क्या हुआ था, क्या किया जब बुलाया, इसके बाद नसरुद्दीन ने रेशम का कुर्ता सिलवाया। अब कुर्ता सिलवाने के बाद थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नसरुद्दीन साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम में पहुँचे। अब जो अगला है आपका, अब पहुँचे तो क्या हुआ, फिर कार्यक्रम में नसरुद्दीन को किसी ने नहीं पहचाना। अब इसके बाद अगला है आपका, देखिए यार फिफ्थ नंबर है आपका कि धनी आदमी नसरुद्दीन के घर आया। अब अगला है, कार्यक्रम में नसरुद्दीन का अच्छे से स्वागत किया गया, ठीक है। अब आगे किसने किससे कहा है ना, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, वह आपके लिए यह चिट्ठी दे गया है। किसने कहा, ये सेवक ने किससे कहा, नसरुद्दीन साहब से। अब अगला है, इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दिया। अब ये किसने कहा, नसरुद्दीन साहब ने किससे कहा, सेवक से। अगला है, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, तो किसने कहा, ये धनी आदमी ने किससे कहा, ये नसरुद्दीन से। अब आगे, अब आपको इसमें संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं, सबको मालूम है किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब क्या है इसमें आते हैं, खुशी, बचपन है ना, आगरा, ये सब संज्ञा में आते हैं। तो पाठ के आधार पे बॉक्स में दिए गए संज्ञा सब छाट कर खाली जगह भरी है ना, तो हमें इसमें दिए हैं। तो एक बार कौन आराम कर रहा था, नसरुद्दीन साहब, आपको उसमें भरना है ना, मैंने पहले उस आदमी को, आदमी है टू नंबर, आप उसके अंदर भरेंगे इसमें है ना, पहले में नसरुद्दीन भरेंगे और दूसरे में आदमी, तीसरा धनी आदमी ने क्या पढ़ी, धनी आदमी ने चिट्ठी पढ़ी है ना। अब आपने महंगे कपड़ों को, ये फोर नंबर हो गया, कार्यक्रम में बुलाया था, मैं अभी रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ, मैंने इस पे नंबर डाल दिया, अब आपको इसके अंदर लिख लेना है ना। अब संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द विशेष नाम का बोध कराए, राम, आगरा, कलकत्ता
है ना, जो विशेष का बताया, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। जाति में लड़का, शहर, आदमी, औरत, ये सब जाति में। भाववाचक में जो शब्द भाव का बोध कराए, जैसे हरियाली, बचपन, है ना, जो हमको खुशी, इस तरीके से जो आते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसमें क्या बताना है हमको, दिए गए शब्दों को संज्ञा के सही भेद से मिलान करना। देखिए जो सेवक है वो किसके अंतर्गत आएगा? देखिए कोई विशेष नाम तो है नहीं है सेवक, तो वो किस में आएगा सेवक? क्योंकि सेवक विशेष नाम में नहीं, इसलिए वो आएगा जातिवाचक में, ठीक है। अब इसके बाद नसरुद्दीन, नसरुद्दीन नाम है विशेष, तो इसमें आएगा वो व्यक्तिवाचक में। राजा, राजा भी किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। इसके बाद रौनक, रौनक आपका भाववाचक में आएगा, है ना। मालिक, जातिवाचक में। इज्जत, भाववाचक में। ताजमहल विशेष है तो व्यक्तिवाचक में। हंसी, ठीक है। अब इसके बाद दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखिए। देखिए मैं दो बता देती हूँ, उसके बाद आपको कर लेना। जैसे खुश, खुश से क्या बनेगा? खुशी। फिर विनम्र से विनम्रता। बाकी होमवर्क कर लो। प्रसन्न से प्रसन्नता। उदास से उदासी। पहनना से पहनावा। और सेवक से सेवा। तो इस तरीके से आपको इस सारे बुक में कंप्लीट कर लेना है। अब आपका ये पाठ कंप्लीट होता है।